हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो के साथ, जिसमें कि बात करेंगे UPPCL की लास्ट 10 ईयर की कट ऑफ की। दोस्तों, आज तक ऐसी वीडियो YouTube पर नहीं है जिसमें कि बताया गया हो कि UPPCL की लास्ट 10 ईयर की कट ऑफ क्या रही है। आज तक इसकी UPPCL लगातार कट ऑफ घट रही है कि बढ़ रही है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं दोस्तों आपको फुल एनालिसिस करवाऊंगा लास्ट 10 ईयर की कट ऑफ की, सिक्वेंस आज बताऊंगा कि 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में क्या कट ऑफ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप स्किप करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा किस साल की कट ऑफ मिस हो जाए। तो दोस्तों, आपकी ज़्यादा समय ना लूंगा, आप एक बार कट ऑफ पूरी जरूर देखें, आप एनालिसिस करें, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपका UPPCL एग्जाम देंगे तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि UPPCL की कट ऑफ क्या लगने वाली है, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे और इसी हिसाब से आप पेपर अटेंड करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पर। रुको दोस्तों, अगर कोई भाई हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2014 की कट ऑफ। दोस्तों, 2014 से पहले की मैंने बहुत कोशिश की कट ऑफ ढूंढने की, लेकिन पर 2014 से पहले की कट ऑफ मिली नहीं है। और दोस्तों, मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2014 से ही आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, जो क्योंकि 2014 से ही ये इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है कट ऑफ। तो दोस्तों, 2014 में जो हमारी जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो आप देख सकते हैं, 135 हमारी जनरल की कट ऑफ रही थी 2014 में। और OBC की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी हमारी 124, और जो SC कट ऑफ रही थी वो रही थी हमारी 112, और जो ST कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 80.67। 2014 की दोस्तों ये UPPCL JEE की कट ऑफ है। 2015 में हमारी क्या कट ऑफ रही थी UPPCL की, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो 2015 में जो कट ऑफ रही थी वो आपकी जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 115, और जो OBC की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 108, और जो SC कट ऑफ गई थी वो थी आपकी 195.25, और जो आपकी ST की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 63.75, जो कि 2015 में बहुत ही काफ़ी कम कट ऑफ थी UPPCL JEE की। दोस्तों, अब बात करते हैं हम UPPCL JEE की 2016 की कट ऑफ की। तो दोस्तों, अब UPPCL 2016 की कट ऑफ देख सकते हैं, जो जनरल की जो कट ऑफ रही थी इलेक्ट्रिकल वालों की वो रही थी हमारी 121.75। OBC की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 117, और जो SC कट ऑफ थी वो थी आपकी 106, और ST की कट ऑफ थी वो थी आपकी 92.25। ये आपकी कट ऑफ रही थी इलेक्ट्रिकल की। दोस्तों, इसमें दो इलेक्ट्रिकल के अलावा सिविल के भी स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सिविल वाले की कट ऑफ रही थी वो थी आपकी जनरल में 117। इसके लिए रही क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम निकाली जाती है। और जो OBC की थी वो थी आपकी 114, और जो SC की थी वो थी आपकी 105। ये कट ऑफ रही थी 2016 की। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2017 की क्या कट ऑफ रही थी। दोस्तों, 2017 की जो कट ऑफ रही थी ये जो आपकी थी जनरल की वो थी आपकी 164.122। ये आपकी जनरल की कट ऑफ रही थी। और जो OBC की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 157.284, और जो SC की जो कट ऑफ रही थी आपकी वो थी आपकी 143.25, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आपकी ST कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 138। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 2017 में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज हुई है UPPCL में, अब तक के मुकाबले दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ रही है 2017 में। यह है दोस्तों आपकी 2018 की कट ऑफ। दोस्तों, 2018 की कोई कट ऑफ नहीं है। 2018 में जो वैकेंसी आई नहीं थी वो इकट्ठी 2 साल की वैकेंसी एक ही साल में कराई गई थी। तो दोस्तों, आपकी 2018 में कोई कट ऑफ नहीं है। 2017 और 2018 एक ही कट ऑफ है। ये 2017 प्लस 18 एक ही कट ऑफ है दोस्तों, ये कोई अलग नहीं है। तो दोस्तों, ये एक ही कट ऑफ है। इसके बाद हुआ था हमारा 2019 का। तो दोस्तों, आप 2019 की कट ऑफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं 2019 की क्या कट ऑफ रही थी UPPCL JEE की। दोस्तों, ये आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी कट ऑफ से आप आने वाले पेपर की पता कर सकते हैं कि क्या अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ रहने वाली है UPPCL JEE में। तो दोस्तों, जो आपकी जनरल की जो 2019 में जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 148.58,
और जो EWS की जो कट ऑफ रही थी दोस्तों 2018 के बाद EWS आ गया था, तो EWS की रही थी 142, और जो OBC की जो रही थी वो थी आपकी 143, और जो SC की जो रही थी वो थी आपकी 130, और जो ST की रही थी वो थी आपकी 120। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है UPPCL JEE की कट ऑफ औरों के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2020 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों आपको कुछ एक्सपेक्टेड तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन पर आप जब पेपर करें तो आप अपना पूरा फोकस करें कि 150+ ही पे क्वेश्चन अटेंड करें, जो अटेम्प्ट क्वेश्चन करें वो आप सही से करें जितने भी क्वेश्चन करें। तो दोस्तों ये थी हमारी 2014 से लेकर अब तक की कट ऑफ, जिनसे कि मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी अब की बार की कट ऑफ और अब की बार के पेपर में एनालिसिस करने में कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, कैसी आपको मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा इसमें जो सुझाव है वो है आपके लिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप अपना 150+ ही रखें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपके एक ही पेपर के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके कारण भी इसमें कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज रहती है और पेपर के मुकाबले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तो दोस्तों जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अपना अपना 2020 की कट ऑफ के ऊपर सुझाव जरूर दें, और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है अपना सुझाव दोस्तों कमेंट में जरूर दें। मैं दोस्तों उसका इंतजार करूंगा कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी। दोस्तों आप अपनी तैयारी के बारे में भी जरूर बताएं, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, कितनी कट ऑफ आपके हिसाब से होनी चाहिए।